दोस्तों, दुनिया में इस वक्त अर्तगल गाजी की धूम मची हुई है। इस सीरियल को 80 से ज्यादा भाषाओं में डब किया गया है और लोग इस सीरियल को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि मेरी पिछली कुछ वीडियोस में मेरे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि आरिफिन भाई ने हलीमा सुल्तान के पिता शहजादे नोमान को हत्या क्यों की थी। इसलिए आज इसका जवाब देने के लिए मैंने वीडियोस खासकर अर्तगल गाजी के फैंस के लिए बनाई है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, दरअसल हलीमा के पिता शहजादे नोमान सलजुक सल्तनत के शहजादे थे और जैसा कि आपने अर्तगल गाजी सीरियल में सीजन 1 में देखा होगा कि शहजादे नोमान अपनी बेटी हलीमा सुल्तान की शादी हलब के सुल्तान अल अजीज से करवाना चाहते थे, ताकि वो अल अजीज से रिश्ता जोड़कर और इनके साथ मिलकर अपनी ही सलजुक सल्तनत पर हमला कर सके, जिसके बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन थे जो कि शहजादे नोमान के ही भाई थे। आपने इस सीरियल में कई बार सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में सुना होगा, मगर सफेद दाढ़ी वालों के ग्रुप में से एक आरिफिन भाई को जब शहजादे नोमान के इस षड्यंत्र के बारे में पता चला कि वो अपनी ही सलजुक सल्तनत से गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए आरिफिन भाई ने शहजादे नोमान की हत्या कर दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। दोस्तों, अगर अर्तगल गाजी से रिलेटेड आपके मन में और भी सवाल आ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।